अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हिस्टोसाइट्स जो आपको मिली हैं, जो आपने ऑस्मियम में आइडेंटिफाई करनी है, उन्हें एक नज़र में, पहली नज़र में इनफैक्ट देख के कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि सोचने में टाइम लगेगा कि इसमें फलाने करेक्टर्स हैं तो ये होगा, ये वो होगा। इट विल टेक योर टाइम। एक सेकेंड में जस्ट आप उसे देखेंगे एंड यू विल नो कि ये चीज़ है, फिर आपको पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसके याद होंगे, यू विल राइट इट वेरी इजी। जस्ट एक दफ़ा आपने मेरी वीडियो को देखना है, जो मैं कह रही हूँ वो देखना है, देन डू इट योर सेल्फ। अगर आप, मैं गारंटी करती हूँ, दो दफ़ा इस वीडियो को देख लें, यू आई बेट कि आप नहीं भूल सकते जो कुछ मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ चीज़ें जो है अपने कलर्स से आइडेंटिफाई की जाती हैं, हम उनसे स्टार्ट करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता देन सारी चीज़ों को कर लेंगे, इट्स वेरी इजी। थिक स्किन, याद रखना कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं है जो पूरी डार्क हो या पूरी लाइट हो, सिर्फ जो थिक और थिन स्किन है, जिनके बॉर्डर्स में डार्क है बाकी लाइट है, दे आर थिक एंड थिन स्किन, ठीक है, वो बॉर्डर से डार्क होंगी बाकी पीछे से लाइट होंगी। अब उनमें कैसे डिफरेंस करना है, वो वाली स्लाइड जो बाउंड्री से ज़्यादा डार्क है और पीछे से ज़्यादा लाइट है, इट इज़ थिक, और वो स्लाइड जो कि बाउंड्री से भी डार्क है और पीछे से भी डार्क है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, दैट इज़ थिन। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास थिक स्किन है, डार्क बाउंड्री, लाइट साइड्स। अब मैं थिन की आपको दिखाती हूँ, जो कि इसके थोड़ा सा हल्की सी इससे डिफरेंट होगी, वन सेकेंड जस्ट। ओके अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं, थिन स्किन के बाद वी हैव द सेकेंड वन, दैट इज़ येस, ये थिन स्किन है जो बाउंड्री से भी डार्क है और इसके पेरिफ्री भी, पीछे वाला पोर्शन भी डार्क है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना बस जो बाउंड्री से डार्क चीज़ है वो स्किन है। अगली रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये तो बिल्कुल अलग से, लाल रंग का, जो सबको पता है कि इसकी कलर ही बिल्कुल अलग है, एज शोन ही है, ये कल रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, याद रखना कॉम्पैक्ट बोन को अगर हम स्लाइड को देखें ना साइड से होके, तो इसकी स्लाइड स्केयर होगी ऐसे करके, छोटा सा स्केयर आपको नजर आएगा, ठीक है, स्लाइड से हटके, यानी माइक्रोस्कोप जहाँ नजर आती है उसे हटके आप देखें तो स्केयर में होगी, और इसी तरह अगर माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे तो इसकी बाउंड्रीज जो आपको नजर आएंगी वो स्केयर नजर आएंगी। सो ये सबसे अलग सी होती है कॉम्पैक्ट बोन, इसे पहचानने में कभी मसला नहीं होगा। देन इज द स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन तो बहुत अच्छी है हमारी, ऑरेंज कलर की है, ठीक है, इसमें तो है ही कोई मसला नहीं, ये देखें, सी दिस इज द स्पॉन्जी बोन, ऑरेंज कलर। देन हमारे पास आ जाता है लंग। अब दो स्लाइड्स ऐसी हैं जिनमें हमें खाली स्पेसेस नज़र आती हैं सारी की सारी जगह पे, और बहुत कम कुछ नज़र आता है मटेरियल, वो एक लंग है और एक एडिपोज टिश्यू है, तो मिस जिसमें बड़ी लार्ज साइज़ की खाली स्पेसेस नज़र आएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज़ लंग, और जिसमें स्मॉल साइज़ की खाली स्पेसेज होंगी और साइड पर थोड़ी थोड़ी पिंक लाइन्स होंगी, दोनों के साइड पर पिंक लाइन्स होंगी, वो हमारे पास आ जाएगा एडिपोज टिश्यू। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, मैं आप लोगों को भी दिखा भी देती हूँ कि लंग और एडिपोज टिश्यू जो है वो आपको किस तरह का नजर आएगा। सी ये क्या है आगे, ओह सी दिस इज़ अ लंग, जिसमें ये लार्ज साइज जो है आपको खाली स्पेसेस और बीच में बहुत थोड़ी बहुत बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, एंड सी अभी मैं एडिपोज टिश्यू दिखाती हूँ, तो उसमें आपको या दिस इज़ योर एडिपोज टिश्यू, इस एडिपोज टिश्यू में जो बाउंड्रीज है वो बहुत पतली हैं लेकिन स्मॉल साइज्ड खाली स्पेसेस हैं, दोनों हैं बहुत लाइट कलर के, ठीक है, ये दो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नाउ हाइलैंड कार्टिलेज पे आते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज याद रखना कि आपका जो है जब भी होगा इस तरह के शेप के सेल्स जहाँ पर आपको नजर आए, तीन साथ जुड़े हुए अक्सर औकात आ जाते हैं, ठीक है, अक्सर जुड़े हुए होते हैं तीन, ये डी शेप्ड सेल्स, वो सिर्फ हाइलैंड कार्टिलेज में होते हैं। हाइलैंड कार्टिलेज तो होता भी बहुत करेक्टरिस्टिक और अलग से है, इन्हें आइसोजिनस ग्रुप्स ऑफ सेल्स कहते हैं। हमारे पास इसकी दो तरह की स्लाइड्स है, एक पिंक है और एक लाइट पिंक है, बिल्कुल ही उसका कलर उड़ा हुआ है, तो बस आपने याद रखना जिसमें ऐसे वाले सेल्स होंगे वो हाइलैंड कार्टिलेज होगा, जैसा कि ये मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। सी दिस इज हाइलैंड कार्टिलेज, जिसमें डी शेप्ड सेल्स हैं। देन इसके बाद मेरे पास हाइलैंड कार्टिलेज के बाद आ जाता है अगली चीज़, फाइब्रो कार्टिलेज, बिल्कुल अलग सा ब्लू कलर का जो कार्टिलेज होगा, दैट इज़ फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, लाइट ब्लू कलर का है ये, मतलब दुनिया जहान से अलग रंग जिसका आपको नज़र आए, दैट इज़ फाइब्रो कार्टिलेज, सी लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ गई टी एस ऑफ नर्व, अब इसमें क्या होगा, बड़ा सा गोल दायरा साथ उसके बाउंड्री, ये जिसमें आपको नजर आए वो आपकी नर्व हो जाएगी। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू कैसा होगा, इसमें आपको ना जैसे नहीं होती एक बंदा है तेज़ तरार सा और वो आपको देख रहा है ऐसे करके, उसकी आंखें हम बनाते हैं ना यूं करके, तेज़ 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 सा बंदा, बीच में खाली जगह आंखें, फिर एक और उसकी नाक सपोज बना दी हमने, इस तरह की आंखें आपको नजर आएंगी शार्प बंदे की, वो आपका म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू होगा, आई शो यू हियर सी। और इसकी स्लाइड भी टूटी हुई है, उसमें आपको काले पीले रंग नजर आएंगे, ठीक है, इसकी स्लाइड में, ये म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है, किस तरह काले बंदे की, वो तेज़ तरार बंदे की आंखें, एक ये बंदा, उसकी एक ये आंख, एक ये
ये आंख, ठीक है, इस तरह की आंखें आपको तेज तेज बंदों की इसमें नजर आनी है, तो इट विल बी म्यूकॉइड कनेक्टेड टिश्यू, कोई मसले की बात नहीं है। टीएस ऑफ नर्व भी मैं दिखा देती हूँ। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या चीज़ है ना, देखना इसमें भी खाली जगह हमें नजर आएंगी, लेकिन जिस तरह लंग और उसमें थी ना बिल्कुल हल्की सी, वैसी ही नहीं, इसकी खाली जगह है। और साथ समझना जैसे एक आंख बनी हुई और उसमें एक आंसू दे दिए पिंक कलर का हमने बीच में, ये ट्रेकिया कुछ ऐसा है। सी पर्पल आंख, पिंक कलर का एक आंसू, बट जिसमें सारे पर्पल में एक पिंक जरा सा ब्लॉट आएगा, दैट विल बी ट्रेकिया। वेरी सिंपल। ट्रेकिया के बाद हम देख लेते हैं कि अगली क्या चीज़ है। दो स्लाइड सिर्फ हमारे पास काले रंग की हैं जो टोटली ब्लैक में आती हैं। लार्ज वेन की स्लाइड है, ठीक है, एक लार्ज वेन है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा, और कोई स्लाइड ब्लैक कलर की नहीं है। ये मैं दिखा देती हूँ, सी दिस वन, ये डार्क ग्रे और ब्लैक सी स्लाइड है, इसके अलावा कोई ऐसी नहीं होगी। और एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल जिस तरह रोड नहीं होती आपकी सड़क ग्रे कलर की दानेदार सी सड़क, बिल्कुल वैसी स्लाइड है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, लाइट ग्रे और दानेदार, बस रोड को याद रखना, जैसे आपको नजर आएगा कि रोड बनी हुई है, ये बीच में जो है वो आर्टिफैक्ट्स हैं सारे। सो ये आपकी इतनी सारी स्लाइड्स होगी, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ।